अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हमारी इस गंजी मुर्गी ने भी जो है चूज़े जो है निकाल लिए हैं। जब मैंने अंडों पे बिठाया था आप लोगों को तो इसकी वीडियो दिखाई थी और अब जो है इसने चूज़े निकाल लिए हैं, लेकिन बैंटम हैं इनके जो है कोई भी चूज़े नहीं निकले, क्योंकि जिस चीज़ का डर था कि जब दूसरी मुर्गियों के साथ अंडे रखते हैं तो वो अंडे जो है बैंटम के साइज़ में छोटे थे। तो तकरीबन 3 अंडे तो जो इसने वैसे ही तोड़ दिए थे और जो पीछे 3-4 रह गए थे उसमें से जो है चूज़े निकले ही नहीं। तो अब जो ये चूज़े निकले हुए हैं वो जो हैं ये सारे देसी और मिस्री मुर्गियों के हैं और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बच्चे निकले हैं। और टोटल जो हैं यहाँ इस वक्त जो है 8 बच्चे हैं। तो अभी जो है 2 बच्चे और भी हैं, लेकिन वो कहाँ हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। असल में ये हुआ कुछ इस तरीके से कि जिस जगह पर जो है मैंने मुर्गी बिठाई हुई थी वो तो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, इस जगह पर जो है बिठाई हुई थी, अब मैंने यहाँ केज रख दिया है। तो होता क्या था कि जो दूसरी मुर्गियाँ थी वो अपने अंडे जो है इसी के ऊपर दे जाती थी, मतलब जहाँ बैठी हुई थी उसी बॉक्स के अंदर जो है दूसरी मुर्गियाँ जो है वो अंडे दे देती थी। तो ये हुआ इस तरीके से कुछ कि बाकी मुर्गियाँ जो है वो इस पर एग्स देना शुरू हो गई। तो अब कुछ एग्स तकरीबन 3 अंडे जो हैं इन्होंने ऊपर दिए थे तो उनके जो है दिन आगे पीछे हो गए थे। तो हुआ ये कि दिन आगे पीछे होने की वजह से ये गंजी मुर्गी के जो मैंने बच्चे आप लोगों को दिखाए वो तो जो है तकरीबन 5-6 दिन हो चुके हैं निकले हुए, लेकिन अब जो है बाकी जो अंडे पड़े हुए थे क्योंकि मैंने मोबाइल की लाइट के ज़रिए देख लिया था कि उनमें चूज़े हैं, तो मैं समझ चुका था कि ये जो है दूसरी मुर्गियों ने इसके ऊपर अंडे दे दिए हैं। तो मैंने भी जो है ज़्यादा बार बार उठा के मुर्गी को देखा नहीं था कि अंडे सही हैं या नहीं, या कोई और मुर्गी तो नहीं दे रही। तो ऊपर दिए हुए थे तो उनके अंदर जो है चूज़े बने हुए थे, तो वो चूज़े जो हैं अब यहाँ इस मुर्गी ने निकाले। मैंने वो अंडे जो है उठा के रख दिए थे इनके नीचे। तो 2 बच्चे तकरीबन 1 दिन पहले भी एक बच्चा निकला था, 1 या 2 दिन आई थिंक हो गए, और 2 दिन बाद जो है अब ये 2 चूज़े जो हैं और निकल आए। तो मुझे इस चीज़ का पता था कि चूज़े निकलने, तो मैंने अंडे जो बचे थे वो उठा के इस मुर्गी के नीचे रख दिए थे। तो अब जो है तकरीबन 5-6 दिन के बाद उनमें से भी चूज़े निकल आए हैं और माशाल्लाह ये भी सफ़ेद कलर के हैं। तो 2 चूज़े ये हैं और साथ में जो है दूसरी गंजी मुर्गी भी कुड़क होकर बैठी है जो मिस्री है। और ये वाली मुर्गी जो आप देख रहे हैं ये जो है आज ही मैंने नई ली है, और बाकी ये जो हैं ये टोटल 8 चूज़े हैं। तो 8 वो ये वाले और 2 जो हैं वो ये वाले, तो टोटल हो गए 10। ठीक है जी, और ये हमारी सारी असील मुर्गियाँ ऊपर चढ़ के बैठी हैं और बाकी जो गंजी मुर्गी के चूज़े थे वो मैंने यहाँ शिफ्ट किए हुए हैं इस केज में, जो क्योंकि अब ये बड़े हो रहे थे दिन ब दिन तो इनको बड़ा केज चाहिए था, तो मैंने इसमें शिफ्ट किया हुआ है। तो ये जो है बैठे हुए हैं उसी के, अपनी मुर्गियों कोई जो है अपनी मुर्गी के ऊपर झूला झूल रहा है तो कोई क्या कर रहा है, तो ये इस तरीके से ये बैठे हुए हैं। तो जो है बैंटम है मुर्गा जो है हमारा, ये रहा अकेला हो गया, तो इसको मैंने यहाँ बंद किया हुआ है। इसकी फ़ीमेल भी जो है मंगवाई है, जल्दी मिल जाएगी और आप लोगों को वीडियो में देखने को भी मिलेगी। बाकी हमारे सारे मुर्गे जो हैं कोई यहाँ बैठे हुए हैं तो कोई यहाँ, तो अभी जो है सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो मैंने भी जो है इनको अच्छे से रात को कवर्ड करना शुरू कर दिया है। सो व्यूवर्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है देख ली है या पहले भी जो है देखते हैं लेकिन चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो बराए मेहरबानी चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।